गणपतये नमः। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की कथा। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगावती नामक स्थान पर गए। उनके जाने के बाद पार्वती ने स्नान करते समय अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसे सतीव कर दिया। उसका नाम उन्होंने गणेश रखा। पार्वती जी ने गणेश जी से कहा, हे पुत्र, तुम एक मुद्दर लेकर द्वार पर जाकर पहरा दो। मैं भीतर स्नान कर रही हूँ, इसलिए यह ध्यान रखना कि जब तक मैं स्नान न कर लूं, तब तक तुम किसी को भीतर मत आने देना। उधर थोड़ी देर बाद भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी वापस आए और घर के अंदर प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। इससे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर घर से अलग करके अंदर चले गए। टेढ़ी भ्रिकुटी वाले शिव जी जब अंदर पहुंचे तो पार्वती जी ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब के कारण महादेव नाराज हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल दो थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया और भोजन करने का निवेदन किया। तब दूसरी थाली देखकर शिव जी ने पार्वती से पूछा, यह दूसरी थाली किसके लिए लगाई है? इस पर पार्वती जी बोली, अपने पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी को आश्चर्य हुआ और बोले, तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है, किंतु मैंने तो अपने को रोके जाने पर उसका सिर धर से अलग कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। उन्होंने शिव जी से पुत्र को पुनर्जीवन देने को कहा। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। पुत्र गणेश को पुनः जीवित पाकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति और पुत्र को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को घटित हुई थी, इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रोध होकर उसे एक पाव से लंगड़ा होने
और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। एक वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पांव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फल स्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 21 की संख्या में दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।